नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड को 1 साल पूरा हो गए हैं। इस वारदात के 1 साल पूरे होने के बाद भी सोमवार को विकास दुबे के नाम पर बने सोशल मीडिया अकाउंट से आईजी मोहित अग्रवाल को मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। फेसबुक पर जिस अकाउंट से पोस्ट किया गया है उसमें आरोपित का निवास अछलदा लिखा है, जबकि आईडी विकास दुबे के नाम से बनी हुई है। औरैया के अछलदा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपित की तलाश शुरू कर दी गई है। और यह पुलिस जिस शख्स से पूछताछ कर रही है उसका नाम राहुल सोनी है। बताया जा रहा है कि वह अछलदा क्षेत्र का रहने वाला है। बता दें कि रविवार की शाम इंटरनेट मीडिया पर अभद्र भाषा के साथ आईजी मोहित अग्रवाल को चांद से मारने की धमकी दिए जाने की पोस्ट वायरल हुई है। इसके अलावा आईजी को मारने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपये इनाम दिए जाने की पोस्ट भी आरोपित की ओर से डाली गई है। उसने खाकी से परेशान हो रहे व्यक्तियों को असलाह भी दिए जाने की बात कही है। साथ ही लिखा है कि एक विकास दुबे को मारने के बाद कई विकास दुबे पैदा होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि इसकी मेल आईडी से ही विकास दुबे के नाम से फेसबुक आईडी बनाई गई है। इस आईडी पर हथियारों की काफ़ी तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं। पुलिस राहुल सोनी से पूछताछ करके मामले के तह में जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि युवक ने अकाउंट को फर्जी बताया है। पूछताछ में उसने बताया कि जिस पोस्ट पर धमकी दी गई है वह अकाउंट उसका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।